हेलो एवरीवन, मैं लीनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लीनू हेल्थ में। तो है जैसे बहुत दिन से मेरा वीडियो रेगुलर बेसिस में नहीं आ रहा है, उसके लिए मैं काफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग को पता होगा मेरे साथ जो हुआ, तो उसके लिए आई थिंक मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है रिकवर होने के लिए। रेगुलर बेसिस में वीडियो मेरा नहीं आ पा रहा है, तो वैसे आज बात करेंगे। मुझे बहुत भी कमेंट आता है, तो कमेंट का भी रिप्लाई मैं नहीं दे पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी अगेन। तो गाइस आज बात करूँगी ओविलेशन होने का बाद, या फिर बोले एक रप्चर होने का कितना दिन तक हम लोग को रिलेशन में रहना चाहिए। मान लीजिए आज आपका एक रप्चर हो रहा है, तो आपको कितने दिन तक रिलेशन में रहना चाहिए। तो ये मुझे बहुत कमेंट आता है, तो मैं सोची ठीक है ये टॉपिक पे एक वीडियो बना देती हूँ। देखिए एक रप्चर होना, जो आप लोगों को पता है हम लोग ओविलेशन कहते हैं, तो जब भी आपका ओविलेशन होता है उससे 2 दिन, मतलब उसके 2 दिन से ही आपको रिलेशन रखना है। जैसे आपको डे 14 में ओविलेशन होता है, आपको डे 12, डे 13, डे 14, डे 15, डे 16, डे 17, बस इतना दिन ही रिलेशन रखना चाहिए। 6 दिन रिलेशन रखने से हो जाएगा, उसे पहले 2 दिन इंक्लूड जिस दिन आपका ओविलेशन होता है, उसके बाद 3 दिन बस। क्योंकि जब भी आपका एक रप्चर होता है, ओविलेशन होता है, तो 24 से लेके 48 आवर तक ही एग्स जिंदा रहता है, और डिपेंड करता है कि एग्स का क्वालिटी कैसा है, उस हिसाब से एग्स सर्वाइव करता है। तो अब ज़्यादातर जो है 24 आवर तक ही ज़िंदा रहता है, हो सकता है और कुछ टाइम ज़्यादा हो जाए, तो आप मान के चलिए 24 to 48 आवर तक ज़िंदा रहता है। तो उस हिसाब से जिस दिन आपका ओविलेशन होता है उसे 2 दिन पहले, और उसका ओविलेशन डे इंक्लूड करके 3 दिन तक ही आपको रिलेशन में रहना चाहिए, तो आपका कंसीव ज़रूर हो जाएगा। अगर आपका कोई इशू नहीं है, इनफर्टिलिटी इशू नहीं है, क्योंकि बहुत सारा केसेस में होता है इनफर्टिलिटी इशू रहता है, जैसे किसी का कंसीव नहीं हो रहा है, फॉलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, या फिर थायराइड बढ़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारा इनफर्टिलिटी इशू है। अगर ये सब होता है देन थोड़ा कंसीव होने में दिक्कत हो सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है देन आप अपना ओविलेशन डे कैलकुलेट करके इस हिसाब से आप इंटरकोर्स करने से इजीली आपका कंसीव हो जाएगा। तो गाइस अगर आज का ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर आप लोग ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।